नमस्कार मित्रों, नवंबर माह धनराशि के लिए कैसा रहेगा, धनराशि के जातकों को क्या करना है क्या नहीं करना है, आइए देखते हैं टैरो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। टैरो आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको बहुत मेहनत करके आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां पे आप इस समय खड़े हैं, तो इस टाइम को आपको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। प्लस साथ ही साथ में पास्ट में आपने पैसे को बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है, उसको आपको संभाल के लेके चलने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं नवंबर माह आपके लिए एक नई शुरुआत लेके आने वाला है और ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंसिंग दिखाता है। साथ ही साथ में अगर आपकी लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी है तो उसके साथ में भी बैलेंसिंग दिखाता है कि अगर आपने किसी से कोई वादा किया है तो उस वादे पे आप खरे उतरिए, उसको निभाइए। चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी, लेकिन उन तकलीफों के बाद आपको जो सुख मिलेगा वो आप ही समझ सकते हैं। आपकी नई शुरुआत होगी, चीज़ों को बैलेंस करिए, फैमिली के साथ पूरा पूरा समय दीजिए, फैमिली को भी निराश मत करिए क्योंकि पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, लेकिन फैमिली के साथ बिताए हुए पल आपको हमेशा याद रहते हैं कि मैंने कौन सा दिन कब कैसे कितना अच्छा बिताया। साथ ही साथ में पैसा तो मैंने जैसे बताया वो बाय डिफ़ॉल्ट आने वाला है, वैसे कि इस माह चिंता मत करिए, लेकिन आपके जीवन में कुछ पुरानी यादें हैं, जो बैड थॉट्स हैं, जो बैड ड्रामा है, उन सबको आप भूल जाइए क्योंकि आप उन बातों को याद करके आज भी दुखी होते हैं। तो दुख का क्षण खत्म हो जाता है, ये महीना आपके लिए सेलिब्रेशन का है, साथ ही साथ में एक नई शुरुआत का है। इस महीने आपको एक नई शुरुआत करनी है, आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आना है। साथ ही साथ में जैसे सूरज उगता है उसी तरह ये आपका महीना बहुत अच्छा उजाला लेके आया है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लेके आया है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कि ये माह आपके लिए कैसा रहेगा, तो सबसे पहले ये है कि आपने बहुत मुश्किल से चीज़ों को हासिल किया है, उन चीज़ों को हासिल करने के बाद यूं ही मत गंवा दीजिए, पैसे को थोड़ा संभाल के चलिए क्योंकि आपने पास्ट में थोड़ा पैसा इधर उधर गलत तरीके से खर्च कर दिया है, तो पैसे को संभाल के चलिए। साथ ही साथ में आज ये महीना आपकी नई शुरुआत, बिल्कुल नई चैलेंजिंग और नई शुरुआत, नई अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, तो उसको आप वेलकम कहिए और ये अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खुशियां लाने वाली हैं। उन खुशियों में कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो दिख रहे हैं, तो उन इमोशंस को बैलेंस बना के चलना है, संभाल के चलना है। प्लस परिवार को भी पूरा पूरा समय देना है, ऐसा नहीं कि हम काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और पैसा काम आने में लगे हुए हैं तो हम परिवार को समय ना दें। साथ ही साथ में जैसा मैंने पहले बताया कि पैसा तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा ही आएगा, पैसे की मत चिंता करिए, लेकिन जिस कारण से पैसा आपके पास आया है, पहले जो कारण से पैसा नहीं आया था, उस चीज़ को लेके आप रात दिन सोचते हैं, उसको सोचना बंद कर दें, जो हो गया सो हो जाइए, आने वाले समय को देखिए और एंजॉय करिए। साथ ही साथ में कहा जाए ये महीना आपके जीवन में कहा जाए नया परिवर्तन लाने वाला, कई महीनों के बाद आपके जीवन में ये महीना अच्छी शुरुआत लेके आने वाला है, तो इस महीने को आप एंजॉय करिए। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं मोर देन 75% आपका ये महीना अच्छा जाने वाला है। मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, टैरो गाइडेंस अच्छी लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। धन्यवाद मित्रों।